हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में आपका स्वागत है। देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बायोलॉजी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। SSC CGL RRB NTPC ग्रुप डी पटवारी राजस्थान पुलिस सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, RS फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RS फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, बंदर से है दोस्तों। दो नंबर क्वेश्चन होगा, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन होगा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों सेरेब्रम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है, अगर आपको पूछ ले सेरेब्रम किससे संबंधित, तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और टेस्ट दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं दोस्तों। मनुष्य के, पांच नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों पर मस्तिष्क, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क कोशिका, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रक्त समूह के खोजकर्ता है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा लैंडस्टीनर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन होगा, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ओ वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों ए बी वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों 120 दिन तक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों इरिथ्रोसाइटस, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों WBC प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन होगा, उच्च उनतास पर मानव शरीर में RBC होती है, उच्च उनतास में, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों उच्च उनतास में पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों ध्यान देना। अगला क्वेश्चन होगा, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का शमशान पलीहा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किससे, किसके विरुद्ध है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा संक्रमण के विरुद्ध है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, 19 नंबर, हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए दोस्तों। हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, 20 नंबर, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों उनको प्रश्न देकर उत्तर लिखने को कहेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। 21 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, स्तनी की हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं दोस्तों।
अगला होगा व्हेल के हृदय में, व्हेल मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 4 चैम्बर होते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन होगा आपका 23, सबसे विशाल जीवित स्तनधारी है, स्तनधारी है दोस्तों, स्तनपाई नहीं स्तनधारी है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों नील व्हेल मछली, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सबसे विशाल जीवित स्तनधारी। अगला क्वेश्चन होगा लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो 24 में आपका राइट हो जाएगा दोस्तों चमगादड़ में। 25 नंबर क्वेश्चन होगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन कुत्ता। अंडा देने वाला स्तनधारी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें राइट हो जाएगा प्लेटीपस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा हिरण की, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है, नियततापी प्राणी कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों चमगादड़ है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वे स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है, तो वह क्या होता है दोस्तों? उसमें आप इसमें आपका राइट हो जाएगा कंटक चूहा दोस्तों, जिसके कांटे होते हैं वो चूहे के समान होता है, कंटक चूहा वो गेंद के समान हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा केंद्रक विहीन लाल रुधिर कणिकाएं किसमें होती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों स्तनी में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों टेपिटम लूसिडम के कारण दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव का जैविक नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों होमो सेपियंस, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों मछली, इसमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो मछली राइट हो जाएगा दोस्तों, बाकी सभी स्तनधारी है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ये सभी। अगला क्वेश्चन होगा उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों हमिंग बर्ड, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन होगा सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिच, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने राइट हो रहे हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। 37 नंबर क्वेश्चन होगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों डार्विन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों स्लीडन एंड स्वान ने, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों हार्वे ने, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवंशिक है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों हीमोफीलिया, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों टेपिटम लूसिडम के कारण, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अमरत्व का गुण पाया जाता है तो इसमें आपका राइट हो जाएगा हाइड्रा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रा का प्रचलन अंग है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों टेंटेकिल्स, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों टेंटेकिल्स। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने राइट हो रहे हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है?
तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन मोर। अगला क्वेश्चन होगा 45, वे पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों, इसमें राइट हो जाएगा शुतुरमुर्ग, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों स्तनी में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती, तो 47 में आपका राइट हो जाएगा दोस्तों घड़ीहाल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 में सबसे विषैली मछली है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों पाषाण मछली, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सूर्य से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों शारीरिक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका 51 में राइट हो जाएगा दोस्तों कवक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो 52 में आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कवक, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों पेनिसिलिन, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा रिंग रोंग के नाम से जाना जाता है, रिंग रोंग के नाम से जाना जाता है, तो 54 में सेवाल रोग हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 55, वे उक्त जो द्वितीयक वर्दी के लिए उत्तरदायी है, तो 55 में आपका राइट हो जाएगा कैम्बियम, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 56 में कॉर्क कैम्बियम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा किस पादप हार्मोन के छिड़काव से एनिसेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो 57 में आपका राइट हो जाएगा ऑक्सिन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जिब्रेलिन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन होगा 60 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए एपोहन का उपयोग अपोहन का उपयोग किया जाता है, इनमें निहित प्रक्रम है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रसरण दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जीवित प्रतिरक्षियों का, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा एंट अमीबा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 में आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों में दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 65, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी की कमी से ये होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है, तो 66 में आपका राइट हो जाएगा रिबोफ्लेविन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों, वीडियो को रोककर आप थोड़ा धीरे पढ़ लें।
कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब है, तो उसमें रक्त का दाब बढ़ता है, बदलता है, उतना ही रहता है या घटता है, तो इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों? इसमें आप राइट हो जाएगा, घटता है रक्त दाब, घटता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 69 में जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो 69 में आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला होगा मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मेलानिन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों? 71 में इसमें राइट हो जाएगा ए या बी, उनके माता पिता में से एक का ए बी, दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। दोस्तों ध्यान रखना, ए इंपॉर्टेंट होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी है? तो 72 में आपका क्या होगा दोस्तों? अग्नाशय, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, बीटा कोशिका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 74 में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है, इसमें राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अग्नाशय, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 76 में रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अधिवृक्क, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो 77 में राइट हो जाएगा एड्रिनल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल हो जाएगा दोस्तों। 78 कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा एड्रीनेलिन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें हार्मोन, इंसुलिन एक हार्मोन प्रकार का है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, एस्ट्रोजन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रुस्रावित करती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन लेक्रिमल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, थाइमस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पेरावटू, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? किसमें आयोडीन होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा थायरोक्सिन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मस्तिष्क में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम प्रक्नली शिशु का नाम था, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, लुइस, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाहिनी विहीनी ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, हार्मोन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि,
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीटोसिन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों पिता से, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों अवटु ग्रंथि के कारण, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 93 उगा रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन कहलाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सेरीकल्चर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों स्नायु तंत्र, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। मांसपेशिया का अध्ययन करते हैं, मांसपेशिया का अध्ययन करते हैं, तो 95 में आपका राइट हो जाएगा मायोलॉजी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा 96, निम्न में से कौन परितंत्र का एजीवीय घटक है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों शाकाहारी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो 98 में आपका राइट हो जाएगा रिटर को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 99 में खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तो 99 में आपका राइट हो जाएगा दोस्तों अपघटक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सीडी थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सीडी थेरेपी कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।